पाकिस्तान में वोटिंग को लेकर अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में सजा काट रहे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तबीयत जेल में अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराने को कहा गया। नवाज शरीफ की जांच करने वाले मेडिकल बोर्ड का कहना है कि उनकी किडनी फेल होने की कगार पर है। ऐसे में उन्हें तुरंत जेल से अस्पताल में शिफ्ट किए जाने की जरूरत है। शरीफ की जांच करने वाले डॉक्टर ने जेल प्रशासन से नवाज शरीफ को रावलपिंडी के कार्डियोलॉजी अस्पताल में भर्ती कराने की सिफारिश की है। डॉक्टरों का कहना है कि पूर्व पीएम की हृदय गति भी अनियमित रूप से चल रही है। हालांकि पंजाब प्रांत के अंतरिम कानून मंत्री जिया हैदर रिजवी ने कहा है कि प्रशासन को इस संबंध में अभी तक कोई आवेदन नहीं मिला है। बता दें कि नवाज शरीफ को किडनी में पहले से ही समस्या है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर उन्हें पहले से ही समस्या थी तो इसको लेकर सतर्कता क्यों नहीं बरती गई? क्या नवाज शरीफ को लेकर जेल के अंदर कोई साजिश चल रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज शौकत सिद्दीकी ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि ISI ने चीफ जस्टिस से सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज 25 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले जेल से बाहर ना आए। तो सवाल तो पूरे प्रशासन पर उठता है, क्या नवाज शरीफ को जेल से जिंदा न लौटाने की साजिश पाकिस्तानी सेना और ISI रच रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।